अस्सलाम वालेकुम। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बहुत ही शानदार जॉब अनाउंस की गई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। आइए जाते हैं जॉब की तरफ। सबसे पहले डोनेट क्रोम ओपन कर लेंगे। इसके अंदर मैं जॉब की वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ, ये jobboots.com, इसको ओपन कर लेंगे। इसके पहले पेज पे ही आपको ये मिल जाएगी। ये देखें FIA जॉब 2022, ये फेडरल गवर्नमेंट की एक अदारा है। ये पब्लिश हुई थी 24 जुलाई 2022 को और लास्ट डेट है 24/10/2022। एक्सप्रेस न्यूज़ में ये शाई हुई थी। 500 सीटें में खाली हैं। जॉब लोकेशन इस्लामाबाद है। सबसे पहले लेता हूँ इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इधर जी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से ये FIA में BPS 1 से लेटे 15 तक जो जॉब अनाउंस की हैं। सबसे पहले इंटर असिस्टेंट चाहिए पंजाब के अंदर 8, सेकेंड क्लास में ग्रेजुएशन चाहिए इसकी, और 6 वीक्स का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा आपके सिलेक्शन होने के बाद NATB से। इसके बाद इन्हें सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। 55 सीट खाली हैं। मेरिट में 4 चाहिए, पंजाब में 23, वुमेन 3 चाहिए और मिनोरिटी मेट चाहिए। सिंध के अंदर 6 चाहिए, रूलर और अर्बन जो है वो 4 चाहिए। TPTA में 5 सीट चाहिए, बलूचिस्तान में 2 और फाटा में अंदर 2 आप चेक कर सकते हैं। और उम्र जो है 18 से 25 साल होनी चाहिए। सेकेंड क्लास में ग्रेजुएशन चाहिए आपकी TCBG यूनिवर्सिटी के अंदर। और हाइट जो है 5'6" होनी चाहिए, वुमेन की 5'4" होनी चाहिए। चेस्ट जो है 33x34x1x2 होनी चाहिए। इसके बाद स्टेनोटाइपस है, ये 3 चाहिए पंजाब के अंदर 8 TPTA के अंदर, और 18 से 25 साल उम्र इंटरमीडिएट होनी चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है 40 पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम स्पीड जो है। UDC के अंदर BPS 11 के अंदर 5 सीट खाली हैं, और मैरिट 8 चाहिए पंजाब के अंदर 2 चाहिए। इसकी भी जो उम्र है 18 से 25 साल होनी, जितनी भी वैकेंसी है इन सब की उम्र जो 18 से 25 साल होनी चाहिए, और अपर एज लिमिट 5 साल दी गई है और इंटरमीडिएट होनी चाहिए। अगर आपकी सिलेक्शन जाती है तो 3 वीक NATV से क्रॉस कराया जाएगा आपको। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर BPS 9, ये 30 सीटें खाली हैं इसमें, और मेरिट में 3 चाहिए पंजाब में 12 चाहिए, और सिंध में 4 और रूलर में 4 और TPTA में 3, बलूचिस्तान में 2 चाहिए, और सेकेंड क्लास में ग्रेजुएशन चाहिए, और वही में हाइट जो सब इंस्पेक्टर में है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में वही चीज़ है। इसके बाद कॉन्स्टेबल चाहिए 385, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेबल चाहिए इनको, और मेरिट में 29 और पंजाब में 164 चाहिए, और वुमेन 19 और मिनोरिटी में 10 चाहिए, सिंध में रूलर में 37 और अर्बन में 25, TPTA में 38, बलूचिस्तान में 19 और फाटा में 9 चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर, और उम्र जो है वही 18 से 25 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट जो है 5 साल दी गई है मिनिमम। सेकेंड क्लास में मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, और हाइट है 5'6" होनी चाहिए, और वुमेन के लिए 5'6" 4 इंच होनी चाहिए। चेस्ट जो है 33x34x1x2 होनी चाहिए। इसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर जो है मिनोरिटी 3 चाहिए, इंटो मेरिट पेड चाहिए पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रेट चाहिए, और उम्र जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए, प्राइमरी पास होनी चाहिए और LTV ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। इसके बाद डिस्पैच लेटर जो है इसका भी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, वैलिड मोटरसाइकिल का और प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके बाद नया प्रसिद्ध है इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब सिंध के अंदर 8 सीट चाहिए, 5 पंजाब में चाहिए, 8 सिंध में चाहिए। उम्र जो है 18 से 25 साल, प्राइमरी पास होने, चोटीदार जो है वो भी प्राइमरी पास होने 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशन जो दी हैं, अगर आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 10 डेट रिजिट देनी पड़ेगी आपको, और अगर आप किसी भी पोस्ट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको जो FIA वाले हैं बगैर किसी रीज़न के बगैर ऊपर नीचे कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं इनकी अपर और एज लिमिट 5 साल दी है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है रूल के तहत दी डी है, और सिविलियन के लिए भी अपर एज लिमिट 5 साल दी डी है,
और सिलेक्शन कैंडिडेट जो हैं वो होने के बाद किसी भी पाकिस्तान के अंदर प्लेस किए जा सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर थ्रू चैनल अप्लाई करें और NOC आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू के दौरान, और एक्स सर्विस मैन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर और आप डॉक्यूमेंट जो हैं HEC से और बोर्ड से अटेस्टेड शुदा और 8 नंबर होने चाहिए, अगर आपके इंटरव्यू के दौरान चेक किए जाएंगे, अगर इन केस अगर आपकी इंफॉर्मेशन 2 नंबर हुई या ट्राउज़र वगैरह, तो आपको किसी भी टाइम जो आपसे फारिग किया जा सकता है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगा। कैंडिडेट जो हैं सीरियल नंबर 2, 6 और 7, और इनका जो है फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, और 1 मील जो है 7 मिनट में अपने तय करने होंगे मेल को, और 1 मील 10 मिनट में फीमेल तय करेगी। और अगर फिजिकल टेस्ट मेरिन जो है आपका CBT बेस्ड टेस्ट और MCQ और सेक्स एंड डेट भी इसमें इंटरव्यू दे सकेंगे। और फाइनल जो है सिलेक्शन आपकी जो सिविलियन सर्जन है डॉक्टर, वो फेडरल गवर्नमेंट का आपको चेक करेगा, वही जो नेवी के दौरान और आर्मी के दौरान जो इनिशियल टेस्ट और बेसिक मेडिकल होता है वो आपका चेक किया जाएगा। और बाय हैंड एप्लीकेशन नॉट एक्सेप्टेबल होगी, और अपॉइंटमेंट जो है आपकी एप्लीकेशन CNIC टेस्ट के दौरान लाना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन टेस्ट सेंटर में दाखिल ममनू है, और किसी भी शख्स को TAD नहीं दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन है आपने सबमिट जुटानी है एफ़ई8 जॉब पोर्टल में, रिक्रूटमेंट ये 2/8/2022 को ओपन होगी। अभी जो है 8 हफ्ता बाकी है इसमें अनाउंस होने में, किसी अभी वेबसाइट के ऊपर इस जॉब पोर्टल ओपन नहीं हुआ। कैंडिडेट जो है इसको इन्फॉर्म SMS के थ्रू कर दी जाएगा मोबाइल नंबर पर, अगर इन्फॉर्म ना किया गया तो इसमें आप रिजेक्ट होंगे। और कैंडिडेट जो है इसकी जो इन्फॉर्म है एलिजिबल और अनएलिजिबल, इनकी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और 7 डेज के अंदर वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो है फिजिकल और CBT टेस्ट जो है इसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट स्लिप और CNICT फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। और कैंडिडेट जो है अगर असिस्टेंट BPS 15 और UDC और LDC का है, तो उसको नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जरिए NAT-BETA 6 वीक का कोर्स करना पड़ेगा। इसमें आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं TAFET वीजा पोर्टल के ऊपर, और जो अभी ओपन नहीं हुआ ये 2 तारीख को ओपन हो जाएगा। और नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑनलाइन सबमिट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जॉब आज पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।